निकल पड़े हैं एक और नई मंजिल पर। कोटा बाग वाटरफॉल के नाम से फेमस है। क्या कह रहे थे बताओ, पहले क्या कह रहे थे? बंद बताओ क्या कह रहे थे? अरे बंद करो ये रास्ते में एक मंदिर पड़ता है बजरंग बली जी का। हम वाटरफॉल के बहुत ही नजदीक ही पहुंचने वाले हैं। ये है पावर हाउस, मे बी उस वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हों। सीढ़ी से ऊपर जाना है। देखो यही था बस, वहाँ से जाके दिखाना पड़ेगा। हमारा तो लॉल हो गया, आगे चलते हैं थोड़ा। बहुत गंदा मूड खराब। वो देखो, वो दिख रहा आपको, दिख रहा है ना आपको? अरे यार वहाँ से, वो देखो अब क्या कर सकते हैं। अब चलो कुछ कहते हैं चाचू को। देखो चाचू फंस रखे हैं यहाँ पे, प्लीज कभी मत आना। रिस्क तो बिल्कुल मत लेना जैसे चाचू काम कर रहे हैं। ध्यान से प्लीज, ध्यान से आना अगर आना है तो कभी भी। अब हम पीछे जा रहे हैं, आ जाओ चाचू, आओ आप एक मिनट चेक करके आओ। हम यहीं पे हैं। यहाँ कभी मत आना पापा, आप भी बोल दो। वो सामने लेक है, वहीं पे आ जाना। सर्दी हो रहा है अभी तो। ये देखो यहाँ खड़े हो, मैं फिसल रहा। चलो गाइस अभी मैं चला गया था किसी लॉन्ग रास्ते पे। मैं इतना से बचा हूँ गिरते गिरते, मतलब गिर ही गया था ऑलमोस्ट। मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ। तो ये रूट तो है नहीं, बाकी दूसरा रूट देखते हैं। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी वापस जाएंगे। मेन सोर्स पता नहीं लग रहा है कहाँ से है। अभी हम उस रोड पे गए थे, वहाँ होते गए थे और मैं गिरते गिरते बचा हूँ। अब वो शायद ऊपर है वाटरफॉल, क्योंकि किसी भी पिछले ब्लॉग में किसी ने मेंशन नहीं कर रखा रास्ता कहाँ है। अगर रास्ता मेंशन किया होता तो मैं मे बी पहुँच जाता, पर गूगल पे फोटोज़ तो बहुत अच्छी अच्छी वाटरफॉल की, वो देख के मैं आ गया। अब यहाँ आके पता लगा है कि भैया रास्ता ही नहीं है, या हम फिर किसी गलत रास्ते में आ गए। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी जो पानी गिर रहा है वो तो कहीं वाटरफॉल से गिर रहा है, ये तो कंफर्म है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा आपको अपडेट कर दूंगा मैं। ये जो वाटरफॉल है ये उसी ऊपर से मेन वाले से आ रहा है, बट मेन का रास्ता नहीं मिल रहा हमें। मेन दिक्कत ये हो रही है हमें। कोई लोकल्स का भी नहीं जिससे हम पता कर लें। बाकी सोचते था इसके शॉट ले लूं।
अभी तक का सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरे इस कोटा बाग वाटरफॉल का, जिसमें हमें रास्ता नहीं मिला वाटरफॉल जाने का, प्लस मैं अभी पहाड़ी से नीचे गिरते गिरते बचा हूँ, स्लिप हो गया था पूरा, दो मीटर मैंने कम से कम नीचे गिरा हूँ, इस चीज़ को पकड़ा मैंने तो जाके मैं बचा हूँ। रास्ता नहीं है, वाटरफॉल का पता नहीं है, गिरने वाला बचाऊँ, अभी तक सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं अच्छा बनाऊँ, वाटरफॉल जाने का जो मेन वाटरफॉल जाने का रास्ता है उसको मैं ढूंढूं। तो अभी लोकल मुझे मिल नहीं रहे हैं, किसी लोकल से पता करूं, मैं पता करता हूं मैं क्या होता है। अब हमें किसी ने बताया था ये रास्ता है तो हम इस रास्ते पे आ गए हैं, और इस रास्ते का कोई भी आता पता ही नहीं है। अभी हम नेट पे चेक कर रहे हैं कि कहीं हमें रूट मिल जाए, रास्ता मिल जाए, बट ऐसा भी कुछ मिल नहीं रहा। अभी हम बैठे हुए हैं, ये पेड़ है, इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत प्यारी हवा चल रही है, जितना पसीना सा एक मिनट में सब सूख गया। ये भैया देख रहे हैं YouTube पे कहीं रास्ता मिल जाए, बट ऐसा कोई रास्ता मिल नहीं रहा अभी। बाकी हम वापस जा रहे हैं कोटा बाग, वहाँ पे किसी से पता करते हैं कि प्रॉपर जो वाटरफॉल है वो किस जगह पड़ता है। आज हमारे साथ लोल हो गया, जैसा कि अभी ने बोला था अभी, तो अभी हमने किसी लोकल से पूछा है, एक अंकल थे वो बता रहे थे कि ये वाला वाटरफॉल नहीं है, वो गोतिया करके एक जगह है, वहाँ पे प्रॉपर गाड़ी भी जाती है, तो वहाँ पे है। अभी हम वापस जा रहे हैं, वहाँ से गाड़ी लेके फिर कुछ खाएंगे, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा हमें, और फिर जाएंगे गोतिया, हमारी गाड़ी पार्क करेंगे, फिर चलेंगे। हमें भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा और प्यास भी, अब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, खाना खाएंगे। तो अब जा रहे हैं गोतिया, वहाँ से गाड़ी पार्क करेंगे, फिर जाएंगे वाटरफॉल। गूगल मैप ने हमारे साथ धोखा कर दिया, ले जाना कहाँ था लेके कहाँ पे आ गया हमें। तो अभी हम रुक गए कुछ खाना पीना पैकेट फूड खाने के लिए, क्योंकि हमें अभी बहुत भूख लग रही है। अभी दिखाता हूँ, वो देखो अभी हम ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक जो पापा के हाथ में है, और अभी आके देखते हैं अपना फॉल वाटरफॉल, एक और रास्ता है आगे। तो रास्ते में कट पड़ेगा फतेहपुर का, रानी कोटा का और पांडे गाँव का। अभी हम जा रहे हैं रानी कोटा और इसके लिए लेफ्ट कट ले रहे हैं। सीधा जाना है हमें राइट हैंड साइड पे वो दिखेगा, हनुमान मंदिर दिखेगा, हनुमान मंदिर के अपोजिट में जस्ट हमें वो दिख जाएगा, जो वाटरफॉल हमें सड़क से दिख जाएगा, तो गाड़ी आपको सड़क पे खड़ी करनी है। मैं आपको एक फनी चीज बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ है आज, मतलब ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं हुआ जिंदगी में जैसा हमारे साथ हुआ आज। जो आपको मैंने पहले वाटरफॉल दिखाया था, ठीक है, वो तो वाटरफॉल नहीं था, हम पूछ के आए, 10-12 किलोमीटर चल के आए, घूम के क्या हुआ हम सेम उसी वाटरफॉल पे आ गए, पर हमारा रूट अलग है। तो दिख रहा है वाटरफॉल, वो भी पहले वाला वाटरफॉल है, हम पहले उस रूट से आए थे, उधर से होते हुए वहाँ पे आए थे, और हम पूरा कोटा बाग घूमते हुए अब आए हैं, ये खड़ी गाड़ी हमारी, अब इधर से आए हैं। ये देखो इतना बुरा हमारे साथ हुआ है ना, कैस नहीं कर सकते। अब बताओ क्या करे बंदा, 15 किलोमीटर घूम के आने के बावजूद भी उसी वाटरफॉल पे आना, क्या फायदा हुआ, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ पेट्रोल, एवरीथिंग वेस्ट, घूम फिर के वहीं पे वाटरफॉल में आ गए, मूड हो गया बहुत खराब मेरा। आज हमारे साथ हो गया भूल भुलैया,
अब हम जा रहे हैं तीसरी जगह पे, जो मैंने आपको बोला था गोटिया जाना, गोटिया भी नहीं जाना। गोटिया से पहले एक जो आपको मैंने टर्न दिखाया था जहाँ पे लिखा था रानी बाग और फतेहपुर लिखा था, वहाँ से हमें सीधा फतेहपुर रोड पे आना है। तो अभी हम फतेहपुर रोड पे जा रहे हैं, उस रोड पे है ये वाटरफॉल। कह तो रहे हैं वाटरफॉल है लोकल्स, बाकी अब जाके पता लगेगा। 3-4 किलोमीटर है वहाँ से, तो वहाँ जा रहे हैं। अगर वहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हमारी लास्ट है। मैम हम जा रहे हैं घर, हम थक गए, सुबह से आए हम, शाम के 4 बजने वाले, हम थक चुके हैं अभी तक। हम अब फिर हम जाएंगे घर। पहुँच गए फतेहपुर, अब यहाँ पर किसी से पता करते हैं वो ब्रिज देखते कहाँ पे है। ये कहीं पे तो पहुंचे हम, जिसका ब्लॉग देख के पहुंचे थे वो बंदा यहीं पे आया था। ये ब्रिज है जो आगे कनेक्ट होता है।